सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर ये लोग गोहाना के हैं, जिन्हें पिछले 15 से 20 दिनों से पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। लोगों की माने तो कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित में इसकी शिकायत दी जा चुकी है। उन्हें नल से आ रहे गंदे पानी का वीडियो भी बनाकर भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीते कई दिनों से गंदा पानी पीने को मजबूर लोगों ने अब सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। ज्यादा समस्या तो 10 दिन से है, बाकी कुछ कुछ स्मेल तो पहले भी आती है महीना सारा से। जब से बारिश का सीजन होता है, ये हर साल की बात है, हर साल ऐसा ही होता है। ना तो सीवरों को सफाई कराई जा रही है, ना कोई लीकेज ढूंढी जा रही है। हम वार्ड में घूम का हम लीकेज बताते हैं जब वो ठीक करने के लिए आते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अफसर ऑफिस से नहीं निकलता, कोई भी जेई कहो, एसडीओ कहो, एक्शन कहो, कोई ऑफिस से नहीं निकलता। पब्लिक मरे इन्हें कोई मतलब नहीं। लिखित में शिकायत दे दी, वीडियो डाल दी ग्रुप में, जो इन्होंने अपना पानी का ग्रुप बना रखा है, हर रोज लोग, क्या ये अधिकारी उस ग्रुप में शामिल नहीं है, क्या उसको नहीं सुनते या पढ़ते? मतलब 10 दिन से तो लगातार जो है लोग बिल्कुल मर रहे हैं, तल तल मर रहे हैं। कैसे पानी पियेंगे, नहा नहीं सकते इस पानी को। मैं अधिकारियों से कहता हूँ, आप नहा के देखो, एक बार देखो तो आकर के नहा के देखो इस पानी में। पीना तो दूर की बात है, कूड़ा नहीं कर सकते, कहाँ जाएगा? जिसके पास समर्सिबल का साधन है वो अपना समर्सिबल भर, गरीब आदमी जिसके पास कोई साधन नहीं है वो क्या करे, कहाँ जाएगा? वो लिखित में शिकायत एसडीओ कर चुके हैं, एक्शन साहब को आज जो है ग्रुप की वीडियो डाली है, एसडीओ साहब को पहले वीडियो, और जेई तो मेरी ख्याल में इस लिंक से जुड़ा हुआ है, हर रोज फोन में बात होती है, हर रोज बात होती है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, दिखवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है जी, बिल्कुल झाग उठते हैं, डिटर्जेंट डालने के बाद भी इतने झाग नहीं होते, और सभी वीडियो इस ग्रुप में डाल रखी है। वार्ड नंबर 20 है जी, उत्तम नगर। पानी इतना गंदा और इतनी स्मेल आती है कि पूरे मकान में स्मेल हो रही है। इस बारे में लगभग 10 दिन से अधिकारियों को पर्सनल फोन करके लिखित से सभी कुछ दे चुके हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जब भी फोन करते हैं, हाँ जी दिखाते हैं, चला रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। मैं तो आखिर में प्रशासन से, अधिकारियों से यही चेतावनी देता हूं, अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, बड़ौदा रोड और मैम रोड दोनों को जाम कर देंगे, उसके जो भी होगा वो स्वयं जिम्मेवार होगा। कि हमारे वार्ड नंबर 20 में 10 दिन से पानी की बड़ी समस्या चल रही है। हमने हर एक महकमे में देश की पानी के लिए एसडीओ को, जेई को लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं, समाधान नहीं हो रहा है। यदि बच्चे बीमार हो गए या घर में कोई परेशानी हो गई तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? हमने ये लिखित में दे चुका कि बड़ी बीमारी भी आ सकती है, इसके कारण घर में कोई कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। यहाँ जमीन का पानी हो बहुत ही खारा है, इसलिए समरसी का भी पानी हम पी नहीं सकते हैं, लेकिन सप्लाई के लिए मैंने जेई साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप पानी के पीने के लिए कम से कम इस एरिया में कैंपर तो भिजवा दें। 10 दिन के लिए हम कहाँ कैंपर उठा कर लेके जाएं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम आपसे माध्यम से रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि हमने यही सोची थी कि एक बार हम आज यार रोड को जाम करें, लेकिन फिर भी हम सी साहब ये प्रशासन को एक बार हम सूचित कर दें, नहीं तो ये कदम उठाया जाएगा कि हम रोड को जाम करने में क्या है माध्यम होंगे, कि रोड जाम करने के बगैर हमारा कोई समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को यही सूचना देना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, कि पानी की समस्या से बढ़कर और कोई जीवन में समस्या नहीं हो सकती है। पानी से ही जीवन चलता है, पानी के बगैर हम कैसे जीवित रह सकते हैं? इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही है, पानी के बगैर बच्चे स्नान भी नहीं कर सकते, विद्यालय में कैसे जाएंगे? तो इसलिए आपसे के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसकी समस्या का समाधान जल्दी करवाएं। 15 दिन से बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, न एक्शन सुनाई करा, न एसडीओ ने जाई, ये हमें जो है मजबूर हो जाएंगे, ये मतलब ये बड़ौदा और मेम रोड को जाम करने के लिए, अगर ये प्रशासन हमारी सुनाई नहीं करता है तो ये आखिरी चेतावनी है। क्यों उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वो सुनाई कर नहीं रहे हैं। इतना गंदा पानी है, मतलब इसमें मुंह हाथ तो धोने से नहाने की और पीने की बात तो एक अलग है, कोई सुनाई नहीं। फोन करते हैं वो दूसरे जी को, वो दूसरे एसडीओ को बोलो, फलाने को बोलो, मतलब ट्रकिंगबाजी करते हैं, कोई सुनाई नहीं पब्लिक की। 15 दिन ऐसे समय में जब नेता विकास के तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, तब गोहाना में साफ पानी की अनुपलब्धता का मुद्दा उनके दावों की हवा निकालता है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।